Hey guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel, please do that right now and don't forget to press the bell icon. So as you've read from the title, in this video I'll be discussing with you about toxic people, which means toxic friends or toxic partners. So this is very common issue in everyone's life. That's why I came up with this issue. And in this video, I just wanted to sit and chat with you guys. So if you're interested, please keep on watching. So first thing is that how to know that they're toxic. First point, if they keep blaming you always. Agar wo har cheez mein sirf aapko blame karte hain ki tumhari galti hai ya tumne ye kyun kiya, tumhare wajah se hamara rishta kharab ho raha hai. Keep blaming you always. So guys, they are no one for you. Please kick them out of your life because wo aapko deserve nahin karte hain. Agar सिर्फ वो आपको ही ब्लेम करेंगे हर चीज में तो ये रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप्स हो. बिकॉज अगर एक बंदा अपनी गलती नहीं मान सकता तो उसको आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकंड, दे कीप एन आई ऑन यू. मतलब वो आप पे हमेशा नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो. मतलब छोटी छोटी चीजों पे नजर रखना, कि मतलब ओवर पोजेसिव होना, और ये बहुत कॉमन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में. फ्रेंड्स में फिर भी इतना कॉमन नहीं होता, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है. तो अगर उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है तो उनको आपकी लाइफ में रहने का कोई मतलब नहीं है. आप प्लीज उन्हें अपनी लाइफ से जल्दी बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है. थर्ड, इफ दे आर जेलस ऑफ यू. अगर वो आपसे जेलस हैं कि आप उनसे अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आपके उनसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं, या आपकी लाइफ उनसे ज्यादा अच्छी, और अगर वो इस चीज पे जेलस हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता कि हम आपसे जेलस हैं, इनडायरेक्ट वेज में दिख जाता है कि वो आपसे जेलस हैं. सो गाइस, जो लोग आपसे जेलस हैं, प्लीज उन्हें अपनी लाइफ में मत रखिए, बिकॉज बहुत दिक्कत होती है आगे जाके. और लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. तो आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में. फोर्थ, You always wait for an apology. आप हमेशा वेट करते हैं कि सामने से आपको कोई अपॉलोजी आएगी, सामने वाला पर्सन आपको सॉरी बोलेगा, या आपसे कुछ भी मतलब अपनी गलती मानेगा और आपको सॉरी बोलेगा, और वो कभी सॉरी नहीं आती है. सो गाइस, कभी भी कोई रिश्ता एक साइड से नहीं चलता, वो रिश्ता हमेशा दोनों साइड से ही चलना होता है या चलेगा. उसके बिना एक बंदा उस रिश्ते को नहीं चला सकता, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो रिलेशनशिप हो. सो गाइस प्लीज, सामने आपकी बुराइयां कर रहा है फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड या अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कभी भी ऐसा नहीं करता. जो इश्यूज होते हैं वो खुद में सॉल्व करते हैं, कभी भी उसे पब्लिकली डिस्कस नहीं करते हैं. और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है एक रिलेशनशिप में या एक फ्रेंडशिप में कि आपको वो इंसल्ट कर रहा है या आपको वो इंसल्ट कर रही है सबके सामने, सो गाइस क्यों रख रहे हो आप उन्हें अपनी लाइफ में? जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ्स एंड स्टे हैप्पी. नाउ यू नो कि टॉक्सिक पीपल कौन होते हैं और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, बट अब उसे हम मूव ऑन कैसे करें, हम उन्हें अपनी लाइफ में पीछे छोड़ के आगे कैसे बढ़े? बिकॉज हम कोई भी रिलेशन में होते हैं या किसी भी फ्रेंडशिप में होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. मैं तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ. अगर मतलब मेरा उनसे काफ़ी टाइम से रिलेशन है, अगर मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, और मेरे लिए उससे डिटैच होना बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है. आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट मैंने ये लाइफ में बहुत बार फील किया है. मैं पूरी पूरी रात रोई हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के सामने बहुत रोई हूँ कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. और ये मेरे साथ स्कूल टाइम के बाद से होना शुरू हुआ है मोस्टली, बिकॉज स्कूल टाइम में आप एक कंफर्ट लेवल पे होते हो, आप सबको जानते हो, तो ना चाहते हुए भी कुछ लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं कि आपको हमेशा उनके साथ ही रहना है. 8 o'clock से लेकर 3 o'clock तक आप एक ही प्लेस पे हो, 5 days a week और 6 days a week, तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, चाहे वो आपको डिजर्व करते हैं या नहीं करते, बट वो फिर भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो जब आप अपनी स्कूल लाइफ से बाहर निकलते हो, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हो, तब आपको काफ़ी लोग मिलते हैं. और मोस्टली ऐसा होता है कि स्कूल लाइफ के बाद फ्रेंडशिप्स टूट जाती हैं या रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं. वो इसलिए टूट जाते हैं बिकॉज उसमें कोई बॉन्ड नहीं होता, वो स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक दिखावे की दोस्ती या दिखावे का रिलेशनशिप होता है, जो बहुत ही रेयर लास्ट करता है, जो बहुत ही मतलब 100 में से आई थिंक 95% रिलेशंस टूट जाते हैं. सो गाइस, उससे मूव ऑन करेंगे कैसे? अब मेरे को मूव ऑन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा. मूव ऑन करना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी इजी नहीं है मूव ऑन करना,
मैंने वो चीज फील करी है, बिकॉज काफी बार हुआ है मेरे साथ, मेरे आज तक मुझे जितने भी फ्रेंड्स मिले दे वर नॉट वर्थ इट, सीरियसली दे वर नॉट वर्थ इट. जितना मैंने उन्हें प्यार किया या जितना मैंने उनके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट किया, या मैं उनके साथ मतलब जो भी मेरा रिलेशन था उनके साथ, दे वर नॉट वर्थ इट एट ऑल. अब थोड़ा जाके मुझे लोगों को पहचानना है कि लोग कैसे होते हैं, बट आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा है फ्रेंडशिप्स में, एंड मुझे फ्रेंड्स में बिलीव ही नहीं है. सीरियसली आई डोंट वॉन्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ. अगर कोई बहुत अच्छा या मेरे लिए कोई अच्छा होगा फ्रेंड या फ्रेंड होगी, सो दे आर वेलकम, बट टॉक्सिक पीपल से अब मैं दूर ही हूँ, बिकॉज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और नेगेटिविटी मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए. सो प्लीज़ आप भी अपनी नेगेटिविटी को जल्दी से हटा दीजिए, और कैसे हटानी है वो मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट वे, डिलीट ऑल योर मेमोरीज. आई नो जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या जितनी भी टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, मेमोरीज हमेशा अच्छी कुछ रही होंगी, बट अगर आप उसे देखते रहोगे कॉन्टिन्यूसली, उसे फील करते रहोगे, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, एंड दैट्स अ फैक्ट. अगर आपके फ़ोन में उनकी पिक्चर्स हैं, उनके साथ पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनके दिए हुए गिफ्ट्स हैं, तो यू कैन नेवर मूव ऑन. हमेशा जब आपकी उस पर नज़र जाएगी, यू विल बी इन द पास्ट, एंड दैट्स वेरी बैड, यू कांट मूव ऑन. सो प्लीज़ 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 अपनी सारी मेमोरीज डिलीट कर दीजिए. अगर आपको उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना है, तो आपको अपनी सारी मेमोरीज डिलीट करनी पड़ेगी. डिलीट ऑल योर पिक्चर्स, वीडियोज, थ्रो ऑल द गिफ्ट्स, बर्न देम, जस्ट रिमूव द नेगेटिविटी. प्लीज रिमूव द नेगेटिविटी. सेकेंड, फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए. अगर आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे, तो कोई आपको खुश नहीं रख सकता. आपको अपनी हैप्पीनेस अपने में ढूंढनी है, ना कि किसी और में. ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे या अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे. मिलेंगे, बट वो छोड़ के या बुरे लोगों को छोड़ के, सबसे पहले आपको खुद पे फोकस करना है. सबसे पहले आप खुद के लिए सोचें, सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए, बाद में किसी और को प्यार करना, पहले खुद को प्यार करना सीखो. थर्ड, फाइंड न्यू पीपल. बाहर निकल के बहुत लोग मिलेंगे आपको, जो बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे, और बहुत अच्छे भी होंगे और बहुत बुरे भी होंगे. तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए कोई ढूंढना होगा, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपकी बैक बिचिंग ना करे, जो हो फेस पे हो. मैं बहुत लोगों को बुरी लगती हूँ, बिकॉज आई एम ऑन द फेस, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत ज़्यादा. मैं बैक बिचिंग नहीं कर सकती. मुझे जो चीज़ बुरी लगी है, मैं नहीं देखती वहाँ 10 लोग खड़े हैं, 12 लोग खड़े हैं, मैं वो बात फेस पे ही बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी है. इसलिए मैं लोगों को बुरी लगती हूँ, बिकॉज कि अरे ये तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बट उनको कौन लोग अच्छे लगते हैं? जो मीठी छुरी होते हैं, जो आपकी फेस पे बहुत तारीफ करेंगे, ओ आप तो कितने अच्छे हो, आप तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब आपके लिए तो लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा है, वो लोग उनको अच्छे लगेंगे. हमारे जैसे लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो लोगों को कम पसंद आते हैं. बट आई डोंट केयर सीरियसली, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी. मुझे बहुत लोगों ने चेंज करने की कोशिश करी है कि चेंज हो जाओ, हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाएगी, तुम चेंज हो जाओ. क्यों हो जाऊँ मैं चेंज? तुम 1% मेरे में चेंज डिजर्व भी नहीं करते हो, और तुम मुझे पूरा चेंज होने को कह रहे हो. किस लिए हो जाऊँ मैं चेंज? नो गाइज, आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर किसी की बात सुननी है, किसी की बात माननी है, तो सिर्फ वो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, जो हमेशा आपको अच्छे के लिए बोलेंगे. बट फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, नो गाइज, आपको चेंज नहीं होना है. आप जैसे हो वैसे अच्छे हो. जो लोग आपको समझेंगे, वो लोग आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे. बट जो लोग आपको नहीं समझेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे हो जाओ उनकी नज़रों में, वो आपके लिए कभी अच्छे नहीं होंगे. सो प्लीज़ कभी भी आप किसी को चेंज होने को मत कहिए, और ना खुद चेंज होइए किसी के लिए. सो या हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. या सो फाइंड न्यू पीपल. हमें न्यू लोग ढूंढने हैं, न्यू पीपल ढूंढने हैं, जो हमारी तरह हों, जो हमें समझें. बिकॉज अगर नेचर सेम होगा, तो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाएगी. अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो गो फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल ओनली. वो लोग आपको जो भी ट्रुथ होगा फेस पे बोलेंगे, विच इज़ गुड फॉर यू. सीरियसली, विच इज़ गुड फॉर यू. अगर आपको वो लोग चाहिए कि हाँ भाई मुंह पे तारीफ करें,
ऐसे लोग थोड़ा टाइम ही लास्ट करते हैं, या आप खुद ही थोड़ा टाइम उस चीज में लास्ट करोगे, बट अगर कोई आपको फेस पे सच बताएगा दैट विल बी गुड फॉर यू. सो प्लीज अपने जैसे लोग ढूंढिए. लास्ट, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस. प्लीज एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए कि हमारी दोस्ती चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है. अपने आप को तसल्ली देना बंद करो कि आपकी लाइफ में सब बढ़िया है. जस्ट एड्रेस द ट्रुथ. जो आपकी लाइफ में चल रहा है प्लीज उसे देखिए, उससे दूर होइए. आई डोंट नो कि मैं नेगेटिविटी में इतना रही हूँ, क्यों मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि ये मेरे लिए सही नहीं है. अब जाके समझ में आए तो ठीक है, अच्छा हुआ सही टाइम पे समझ में आ गया, और लेट समझ में आता है तो प्रॉब्लम होती है. तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, जस्ट मूव ऑन. जो है कोई साथ देता है, वेल एंड गुड, नहीं देता भाड़ में जाओ. क्यों चाहिए हमें वो लोग, नहीं चाहिए हमें वो लोग. कम लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बट वो कम लोग अच्छे हैं. क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी. सो गाइज, दिस वॉज इट. ये कुछ स्टेप्स थे मूव ऑन करने के लिए. सबसे पहले आपको खुद को अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको मूव ऑन करना है या आपको उसी जगह पे स्टक रहना है. अगर आपके साथ इनमें से एक या दो पॉइंट्स भी हो रहे हैं तो गाइज प्लीज रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ. और अगर आपको वो लोग ही रिमूव कर देते हैं तो दैट्स अमेजिंग. आप पे कोई बर्डन नहीं आया, उन्होंने आपको रिमूव कर दिया, वेल एंड गुड. आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 अपनी कॉन्टैक्ट कम कीजिए उनसे, एंड धीरे धीरे मूव ऑन कर लीजिए. और आप डायरेक्टली बोल के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जो भी आपको मेथड सूट करे. अगर आप उन्हें इग्नोर करके साइड करना चाहते हैं, दैट्स योर कॉल. एंड अगर आप उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो योर कॉल. सो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं. बट आई सीरियसली, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज गाइज रिमूव देम. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, रिमूव देम. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेशली दोज टॉक्सिक फ्रेंड्स. एंड ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, बिकॉज अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, शायद उसके थोड़े से ये पॉइंट्स उनकी हेल्प कर दें. तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको इन कॉमन टॉपिक्स पे और वीडियोज़ चाहिए. तो आई विल मेक इट फॉर यू गाइज. नाउ वील मीट सून विद अनदर वीडियो. बाय बाय.